अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ इफ्तार स्पेशल दही फुल्की। तो मैं बनाने वाली हूँ आज छाछ पकौड़ी। तो उसके लिए मैंने यहाँ ये 400 ग्राम बेसन लिया है। तो यहाँ मैं ये हाफ़ टी स्पून के करीब सबसे पहले इसमें हींग ऐड कर रही हूँ। हींग से बहुत ही अच्छी हमारी पकौड़ी बनती हैं और हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैंने ये ज़ीरे पाउडर ऐड करा है इसमें, भुने हुए ज़ीरे का, और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनके हमारी ये पकौड़ी रेडी होंगी। 1 टीस्पून मैंने ये इसमें ज़ीरा भी डाला है, साबुत वाला। यहाँ ऐड करूँगी मैं इसमें मिर्च। तो यहाँ मैं सबसे पहले 2 पिंच ये खाने का सोडा डाल देना है, उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्च डालेंगे। यहाँ मैं कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप रेगुलर मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 टीस्पून भर के मैं डालूँगी इसमें लहसुन की चटनी। आप लहसुन की चटनी इसमें ज़रूर से ऐड करें, बहुत ही जायकेदार पकौड़ियों को बनाती है हमारे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसे ऐड करने से। तो यहाँ हमने सारा सामान लगभग डाल दिया है। हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है लगातार, और इसे चमची से हम इसे एकदम स्मूथ बैटर रेडी करना है हमें इसका। हमें ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना, क्योंकि पकौड़ियाँ हम हाथ से तोड़ने वाले हैं, इसलिए हमें एकदम गाढ़ा बैटर चाहिए। तो यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा पानी ही डालना है, एक साथ पानी नहीं डालना। आप देख सकते हैं बैटर की क्वांटिटी मैंने कैसा तैयार करा है इसे। ये बहुत गाढ़ा है, एकदम पतला नहीं है। तो यहाँ मैं एक मुट्ठी इसमें फ्रेश हरा धनिया डाल देती हूँ। आपको धनिए के पत्ते पत्ते लेने हैं सिर्फ। तो यहाँ मैं 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च भी डाल रही हूँ इसमें, हरी वाली। आप बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो धनिया और हरी मिर्च को मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। तो बैटर एकदम से हमारा पूरा रेडी है। तो ये देखिए इतना थिक हमने बैटर तैयार करा है। आप इससे पतला ना करें, नहीं तो आपकी पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी और फैली फैली हो जाएंगी। तो बैटर तो हमारा रेडी हो चुका है, उसे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तो यहाँ मैंने ये दही ली है, ये मेरी पूरी 1 किलो दही है। मैं घर पे ही दही जमाती हूँ अक्सर, कोई भी चीज़ बनाऊँ मैं, या दही फुल्की या मतलब कढ़ी वगैरह, तो मैं अक्सर दही घर पर ही जमाती हूँ। तो इसे मैंने रात को जमा दिया था। तो यहाँ मैं इसे एक बड़े बर्तन में कर लेती हूँ। तो इसका हमें एक रायता तैयार करना है दही फुल्की बनाने के लिए। तो यहाँ दही को मैंने बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये मैंने थोड़ी सी लहसुन की चटनी अपनी बचा ली थी 2 टीस्पून के करीब, तो यहाँ इसमें मैं लहसुन की चटनी ऐड कर देती हूँ। हम मिर्च के नाम पे इसी चटनी को डालेंगे इसमें, और मिर्च नहीं ऐड करेंगे हम इसमें। इसमें ही हमारी बहुत तीखी मिर्च हैं, हमने साबुत वाली मिर्च लेके इसकी चटनी बना ली थी लहसुन डाल के। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून भर के मैं इस ज़ीरे का पाउडर डाल रही हूँ, भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। इसे बहुत ही खुशबूदार रायता बनता है हमारा, आप ये ज़रूर से ऐड करें। अब इसे मैं रई से चला लूँगी। इसे हम रई कहते हैं, आप इसे क्या कहते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ये बहुत ही अच्छी रहती है, इससे मैं कढ़ी वगैरह भी बनाती हूँ। अगर आपके पास लकड़ी वाली है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सबसे आसान तरीके से इसे मिक्सी के जार में डाल के एकदम इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर लिया है। पानी आप अपने मुताबिक कर सकते हैं, आपको दही फुल्की पतली चाहिए या थोड़ी सी गाढ़ी। वैसे दही फुल्की थोड़ी गाढ़ी सी ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैंने 1 लीटर के लगभग पानी ऐड करा है। तो रायता हमारा बनके रेडी है। तो यहाँ पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। यहाँ मैंने सरसों का ऑयल लिया है, क्योंकि हमेशा पकौड़ी सरसों के ऑयल में ही बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ इस तरीके से मुझे हाथ से बेसन लेना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़ लूँगी। एकदम गोल शेप में हमें पकौड़ी तोड़नी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी शेप में पकौड़ी आ रही हैं। तो यहाँ हमें
थोड़ी छोटी छोटी ही तोड़नी है, क्योंकि हम इसे दही के अंदर डीप करेंगे तो हमारी पकौड़ियों का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें एकदम मीडियम साइज़ की पकौड़ी बनानी है। तो यहाँ मैं सारी पकौड़ी तोड़ लूँगी इसी तरीके से। आप देख सकते हैं बिल्कुल कितना अच्छा साइज आ रहा है हमारी पकौड़ियों का, और एकदम गोल आई हुई हैं। तो जो इसमें अंदर ये बबल से पड़ गए हैं, ये जो छेद छेद से आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इससे पहचान होती है कि हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनी हैं और बहुत सॉफ्ट होने वाली हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, ये पकौड़ियों की पहचान होती है। तो यहाँ मैं इसे पलट लेती हूँ पकौड़ियों को। तो ये देखिए मैंने पलट लिया है, कितनी अच्छी शेप आई है हमारी पकौड़ियों की। तो यहाँ मैं इसे गोल्डन होने तक सेक लूँगी अच्छे से। आपको गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम रखना है। तो ये देखिए मेरी पकौड़ियों पर एकदम गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसे मैं निकाल लूँगी और एक प्लेट में रख लूँगी। तो इसी तरीके से हम सारी पकौड़ी अपनी रेडी कर लेंगे, और ये सारी पकौड़ी हम प्लेट में निकाल के रख लेंगे। तो देखिए सारी पकौड़ी मैंने सेक के रेडी कर ली हैं। तो कितनी अच्छी हमारी पकौड़ी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट पकौड़ी बनी है हमारी। तो यहाँ इसे मैं रायते के अंदर डाल देती हूँ अपनी सारी पकौड़ियों को। आप हमारे रायते की थिकनेस भी देख सकते हैं, ज़्यादा पतला रायता नहीं है हमारा। ये दही के चंक्स जो दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से रायता। तो आप ये छाछ पकौड़ी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें। यहाँ मैं थोड़ा सा गार्निश के लिए हरा धनिया डाल देती हूँ, और अब इसमें हम थोड़ा तड़का लगा लेंगे अपना। अब इसे थोड़ी देर के लिए मैं एक मिनट के लिए ढके रख देती हूँ, ताकि पकौड़ियाँ अंदर से रायते को अब्सॉर्ब कर लें। तो यहाँ मैंने तड़का भी रेडी कर लिया है, उसी ऑयल में जीरा डाल के मैंने 1 टीस्पून तड़का रेडी कर लिया था। और यहाँ मैंने कुछ प्याज के लच्छे लिए हैं, प्याज को मैंने गोल स्लाइस कट के इसे गार्निश कर दिया है। तो यहाँ हमारी बहुत ही जायकेदार छाछ पकौड़ी बनके रेडी हुई हैं। आप इसे इफ्तार स्पेशल में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही पसंद आने वाली हैं सबको, और मेरे बच्चों की तो ये फेवरेट हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।